ओ माय, ये बार बार कोई तो एक्सपायर हो गया भाई। बाइक वो देखिए, सफ़ेद कपड़े में डेड बॉडी। तो गुरु पहुंच गए ट्रांसपोर्ट पे 15 दिन बाद लगभग। आज मुझे 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद मैं ट्रांसपोर्ट पे आ रहा हूँ। ये गाड़ियाँ आज भी खड़ी हैं उतनी। इसमें एक चीज़, आप जब तेल डलाते हैं तो ये चीज़ हमेशा आपको देखना है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है। जो नॉर्मल मतलब एक जो सही डेंसिटी होती है वो महादेव। सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु हम थे लखनऊ गए थे, मतलब लखनऊ से गाड़ी खाली करके अपन निकल गए हैं मंडी से बाहर, और जो है चल रहे हैं घर। और आपको पता है रात को ब्लॉगिंग करते नहीं है, दिन में करते हैं क्योंकि रात को सो जाते हैं। नहीं सोते हैं तो भी भाई वाइड एंगल से कुछ आता नहीं है, सिर्फ अंधेरा अंधेरा आता है। और ये लाइट पीछे है तो ब्लॉगिंग करे तो करे कैसे, तो इसलिए नहीं करते हैं। तो दिन में जो है ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ और हाय फ्रेंडा, हाय फ्रेंड नहीं बोलता, हाय फ्रेंडा। और नींद में गाड़ी चला रहा है ऐसे। हम क्या उठो भाई, जा रहे हैं तुम ही लग रहे हो नींद में। नहीं हम तो नहीं है, अभी अभी बतियाने लगे हैं तब नहीं बोलता है, खिड़की चढ़ा दिए गर्मी। क्या है ना, रात भर जागे है अलग बात है, और उसके बाद दोनों साइड से पैक करवा दिया, इधर से भी शीशा लगवा दिया, इधर से कांच लगवा दिया, पैक हो गया, गर्म हो गया, तो फिर नींद। शीशा और कांच में डिफरेंट क्या है ब्रो? इधर से शीशा लगवा दिया, इधर से कांच लगवा दिया। और बोल रहा है रात भर जागे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब रात भर जागे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं तो दूसरी बात है बोले। ओ माय गॉड, इसकी टुंडी चुंडी चुंडी देखिए, एकदम वेस्ट इंडीज वाला वो चोटी करा लिया है। कौन किया है दोस्त? माय बीबी। ओ माय गॉड, टुरू लव। ओ माय गॉड, टुरू लव। तो गुरु ये रहा सुबह का नजारा, मस्त सूर्योदय हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सनराइज, सनराइज बोलते हैं चुंडी अंग्रेजी में। हाँ वही जो भी है, क्योंकि दुनिया अंग्रेज की। छोड़ो, सुप्रभात। सुप्रभात तो अब तुमको बोले हैं। हाँ तो शुभ प्रभात दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। और मौसम बड़ा ठंड है, इसीलिए जानते हैं ये जो है मैं बहुत हरामी हूँ भाई। ये ठंड से मिलता जुलता सेंटेंस मिला दिया, बहुत हरामी आदमी है यार। तो तो अश्लीलता फैला रहा है साला, हरामी है। सही बोलते हैं, ब्याह एक बात खराब हो गया, बहुत बदतमीज हो गया ये। कोई बात नहीं, तो हमको लग रही थी ठंड तो हम ये ओढ़ लिए गमछा। भाई अश्लील आदमी, मुझे बोलने नहीं दिया। सुबह का नजारा क्या दिखाना, हमने कुछ नहीं दिखाया, जाने तो दोस्त। तो अब चलते हैं आगे, चाय वाय पियेंगे तो मिलेंगे। तो गुरु वहाँ से आ गए पेट्रोल पंप पे, और जो है डीजल डला रहे हैं। चुंडी क्या है, वॉशरूम, वॉशरूम करके वो आएगा, अपन डीजल डलाएंगे। तो हाँ जीरो देख ले रहे हैं, ये तेल जीरो था, मतलब कैमरा चालू बैक करने करने में इतना हो गया। और इसमें एक चीज़, आप जब तेल डलाते हैं तो ये चीज़ हमेशा आपको देखना है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है। जो नॉर्मल मतलब एक जो सही डेंसिटी होती है वो 820 से लेके 860 तक होती है, अगर उससे डाउन है तो तेल में डाउट हो सकता है। ये 830 है तो बहुत बढ़िया डेंसिटी है इसकी, ठीक है। अगर इससे कम रहती है, मतलब 20 से कम होती है, तो तेल ना डलाएं जहाँ पे इससे कम होती है, क्योंकि उस गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ रहेगा तभी। या तो बहुत जगह आप देखेंगे तो ये डेंसिटी 0.0 होता है या 0.45 होता है, तो वो गलत होता है। पेट्रोल का 700 कुछ होता है और इसका 820 से 860 तक होता है, ठीक है। तो इसको फुल कराते हैं फिर मिलते हैं। तो गुरु डीजल भरा के आ रहे थे जगदीशपुर में, पता नहीं कि मैं सो गया था एक्चुअली में, पता नहीं कि ट्रैफिक लगी हुई है, मतलब कि मैं सो गया था, चुन्नी मेरे को जगाया कि ट्रैफिक लगी है, पुलिस खड़ी है, कुछ एक्सीडेंट वेंट हुआ है कुछ तो। ओ माय, ये बार बार कोई तो एक्सपायर हो गया भाई। बाइक वो देखिए, सफ़ेद कपड़े में डेड बॉडी। तो गुरु एक जगह रास्ते में रुके हुए हैं और चुंडे गया है कुछ लाने, ठीक है। तो एक्सीडेंट देख के मुझे, देखो वैसे कुछ होता नहीं है, पर्सनली बोलूँ तो बस थोड़ा सा अंदर से लगता है कि बुरा हुआ, पर मैं मुझे किसी की मौत पे बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। और जो मर गया उसके बारे में क्या ही बोलना, या फिर कोई भी क्या ही बोलेगा। वो उस लड़के की ज़्यादा एज भी नहीं थी, लड़का ही था, बाइक से था, और जो है
पास लेने में लगा। कैसे लगा मुझे नहीं पता लगा, मुझे नहीं पता, पर सिर्फ एक जो गलती है, नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, पर एक चीज़ जो थी वो गलत थी कि हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से ये पूरी उसकी खोपड़ी जो है वो खुल गई है। ठीक है, तो शायद हेलमेट पहना होता, मरना देखो मृत्यु तो तय है, जो आया है वो जाएगा, पर शायद उसकी खोपड़ी जो है जो खुल गई थी वो बच सकती थी, ये फेस बच सकता था, सर पे ही गाड़ी चढ़ गई थी और ऐसे जो है आपने वीडियो में देखा ही, इतना ही था जो भी था। तो किसी की मौत पे हम तो कुछ बोल नहीं सकते, पर एक चीज़ जो मुझे बुरा लगा लोगों के लिए कि शायद हेलमेट पहना होता तो जीवन बचता ना बचता, मैं बोला मृत्यु तो तय है, जो आया है वो जाएगा, पर ये चीज़ ना हुआ होता, पर जो भी हुआ अभी क्या ही बोल सकते हैं। चलिए चुंडी को आने दीजिए, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो ये मस्त रुके हुए हैं हम लोग सुल्तानपुर से आगे, लिट्टी चोखा मिल गया है खाने के लिए, बाटी चोखा, तो इसको खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु मस्त लिट्टी चोखा खा के एकदम निकल चुके हैं, मज़ा आ गया भाई, दबा के खाए हैं दोनों। है चुंडे अब सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, दोनों दबा के क्या खाए, लिट्टी चोखा दवा के खाए हैं, इन द सेंस कि पेट भर खाए हैं, और मेरी आंखें इतनी छोटी हो गई हैं, इतनी छोटी हो गई हैं कि हमको लगता है आने वाले वो कुंग फू हो जाएंगे चाइनीज, इससे ज़्यादा खुलेंगे नहीं, नींद में लगेंगे हमेशा। पांडा हो जाओ, पांडा नहीं कुंग फू, पांडा अलग है, पांडा अलग है, मिट्ठू क्या होता है मिट्टू बोल रहा है हमका, मिट्टू बहुत आरामी होते सुग्गा, उसको सब गाली जा रहे हो भी देखो, गाली कहा जा रहा है, बाएं जा रहे थे तुम्हारे कहने से, बाएं जा रहे, स्टीयरिंग हमारे हाथ में तुम्हारे हाथ में, चुंडी बावला हो गया भैया। चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो गुरु आ गए घर, छोड़ दिए चुंडी को घर पे, वो नहा रहा है धो रहा है, और जो है आज भी अपन मैं और चुंडी ही जाएंगे लखनऊ, और जो है मैं भी चल रहा हूँ नहा धो लेता हूँ, नहा धो के मस्त फिर उसके बाद जो है निकलूँगा, तो उसको भी लेंगे आज, मैं और चुंडी दोनों ही जाएंगे लखनऊ। ठीक है, क्योंकि छोटू भैया नहीं जाएंगे तो हम ही दोनों को जाना है, तो चल रहे हैं। चुंडी भी अपना नहा धो रहा है, क्योंकि एक सोता है एक जागते रहता है, मैं सो लिया हूँ, वो भी सो लिया आधे रास्ते, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, माफ़ करिएगा, तो चाहे वो जाए चाहे मैं, मतलब दोनों जाएंगे साथ में ही, पर चले जाएंगे, तो वो नहा धो रहा है, मैं भी घर पर आ गया हूँ, तो चलिए नहाता हूँ धोता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से, नहा धोने के बाद फिर मिलेंगे आगे। तो भाई चुंडी इज कमिंग, हाय फ्रेंड, बोलो। तो आ गए वापस से भाई, जा रहे हैं, आज अभी मैं चला रहा हूँ, ये बैठा है, फिर रात भर ये चलाएगा, वो भी आँख बंद करके, फिर भी तो पहुँच जाते हैं, क्यों बोल रहे हो भाई, पहुँच जाते हो तो क्या मतलब है यार, किस दिन सही जगह पहुँच जाएंगे याद रख लो, रास्ता रास्ता क्लियर है, बस कहीं कहीं ब्रेकर आ जाता है तो आँख खुल जाती है। ठीक है, सही बता रहे, आँख बंद करके गाड़ी चलाता है, कभी कभी लाइट बंद करके, कभी आँख बंद करके, ये सीधा ही अमराज से पंगा ले रहा है बस, और कुछ नहीं है, इसको लगता है इसके फूफा है, जब तक वो मूड में तभी तक बेटा, सही बात, किसी दिन सनका रहा तो बताएगा कैसे आँख बंद होती है। चलिए यहाँ चलते हैं, फिर मिलेंगे आगे। तो ग्रुप पहुंच गए ट्रांसपोर्ट पे 15 दिन बाद लगभग, आज मुझे 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद मैं ट्रांसपोर्ट पे आ रहा हूँ, ये गाड़ियाँ आज भी खड़ी हैं, उतनी नहीं खड़ी है, शाम तक सब चली जाती हैं क्योंकि काम अब रेगुलर हो गया है। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, वो वाली गाड़ी, क्योंकि उस पर लिखा है श्री ऑटो सेल्स, श्री श्री ऑटो सेल्स भरूना बरखसा मिर्जापुर, वहाँ पर जबकि अग्रवाल वाले की है, तो ठीक है, पर आ गए अपन ट्रांसपोर्ट पर, गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी हैं बहुत सारी, शाम होते होते सब चली जाती हैं, लगभग एक आध कोई कोई बच जाता है तो बच जाता नहीं, सब चले जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है वो है एक्स्ट्रा लॉन्ग, ये भी है एक्स्ट्रा लॉन्ग, वो भी है एक्स्ट्रा लॉन्ग, उसके बगल में एक खड़ी है बस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, और लगभग लगभग यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग ही हैं, और ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी ये कन्फ्यूज़ हो गया मैं, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, वो है एक्स्ट्रा लॉन्ग और ये है एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो फ़र्क क्या होता है, उसका ढाला छोटा है, 8.7 इंच है, अरे 8.5 फिट का है, ये 9 फिट का है, इसकी बोनट जो है बड़ी हो जाती है, इसकी बोनट छोटी हो जाती है, फ़र्क कुछ है नहीं ज़्यादा। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। तो गुरु अभी ट्रांसपोर्ट पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, गाड़ी गई है लोडिंग पे, और जो है चुंडी लेके गया हुआ है,
और ट्रांसपोर्ट में हम दिखा रहे, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरु ये जो है मटन बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। वैसे मैं मटन खाता नहीं हूँ, तो यही है जो है। और अपनी गाड़ी आएगी, चुंडी लोड करके आएगा, तो अपन चलेंगे। कंचन भैया, सोमारू भैया, कहाँ गुरु? तो गुरु आ गए घर पे। अभी रात के बज रहे 9। चुंडी को बोले हैं एक लोग को और लेके वो चला जाएगा लोडिंग पे, और मैं जो है घर पे आ गया, क्योंकि जागा हुआ था, नींद नहीं कर रहा था, सो गया था मैं आने के बाद। रास्ते में बस में ही सो गया था आते आते। तो अब चुंडी जाएगा अपना लोड वोड कर, मतलब लोड तो हो ही जाएगा, फिर जाके अपना खाली करके कल आएगा, तो देखेंगे कल कौन जाएगा। ठीक है, तो बस जो हम गए थे मधुपुर से लखनऊ, वहाँ का भाड़ा पता ही 12,000 लगा था। और इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।